हाँ भैया कौन में छोड़ाए ले बच्चा हमरे, हम और कहाँ कौन जाई निकालने के। वाले हैं। जहां कल पूरा भारत देश विजयदशमी मना रहा था, रावण के मेले में लोग गए हुए थे, वहीं पर एक मुंबई में इस तरह का कांड हो गया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हमारी मौजूदगी इस वक्त बहराइच शहर के उस गांव में मौजूद है। ये तहसील केसरगंज का गंडारा गांव है। यहाँ के दो लड़कों का मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जो घटना है वहाँ नाम आया है, वो इसी घर के हैं। एक बच्चे का नाम धर्मराज है तो दूसरा जो फरार है उसका शिवा नाम बताया जा रहा है। उसके पिताजी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह वो मुंबई गया और फिर किस तरह उसका नाम आया इस मर्डर में। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा ये बताइए, बच्चा जो है धर्मराज आप ही का बच्चा है? हाँ साहब, हमारे बच्चा है। तो ये बताइए क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? हमको नहीं साहब पता है, जब यहाँ चला गया वो। कब गया था? 2-3 महीना हो गया सर। 2-3 महीना। तो ये बताइए चाचा कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे। ये कौन सा था धर्मराज, कौन से नंबर का था? सबसे छोटा है। सबसे छोटा था। तो ये बताइए मुंबई आप ही लोगों ने भेजा था? वो कहूँ संसंगत में पड़ गए। हाँ। तो हम जाए थे कमाए, यहाँ कुटुर पुटुर हुआ था, हम कहा कि इतने बड़े हो गए हो, ब्याह शादी करे वाला हो गया है तो कम से कम कुछ कमा के दो, तब तो कुछ करी। तो ठीक हम जाए थे। तो अच्छा चाचा ये बताइए टोटल कितने भाई थे, कितने लड़के हैं टोटल आपके? 5। 5 लड़के। तो ये बताइए घर का खर्चा कैसे चलता था? घर के खर्चा भाई 3 के शादी कर दिया, तीनों अपन अपन बाल बच्चे देखा था, बच्चे हमारे अनुराग हुई धर्मराज के सिया, तो एक लंडा हुआ दुकान खोले है। अच्छा धर्मराज यहाँ बहराइच में जब रहता था, यहाँ गंडारा में, तो क्या काम किया करता था? यहाँ कुछ नहीं, अरे दुकान पर रहा था, पढ़ाई जाता रहा, पढ़ाई छोड़ी, संसद में हम नहीं जान पावा साहब कब चला गया यहाँ से। अच्छा इस तरह की घटना हो गई है चाचा, तो बहुत दुख होगा आप लोगों को। दुख का पेट जाना था ना। तो चाचा ये बताइए किस तरह से ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद क्या है, आप लोग किस तरह जो परेशान है? अब सुना है साहब तो अच्छा क्या काम किया करता था बम्बई में ये? हमको कोई पता नहीं साहब। आपको नहीं पता? बात होती थी फोन पर? हाँ बात भी नहीं होती थी। तो ये पिताजी हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इस कमरे में माँ जी हैं उनकी, और यही वो कमरा है जिस कमरे में धर्मराज रहा करता था। माँ बहुत परेशान हैं, सुबह से बीमार हैं, लोगों को बता बता कर भी थक गई हैं। हम उनसे बात करेंगे माँ से और उनका दुख आपको दिखाएंगे। अम्मा ये बताइए ये धर्मराज आप ही का बच्चा था? उठ जाओ माता जी, ये बताइए कि बात आपकी आखिरी बार कब हुई थी धर्मराज से? आज 20 रोज हो गए हमसे बात भई रहा भैया, तो हमारा तबियत नहीं ठीक रहत रहा, तो वह हाल चाल पूछी तो हमका ठीक है। अच्छा अम्मा ये सबसे छोटा लड़का था? हाँ, सबसे तो छोटा लड़का तो बहुत माना जाना होता है। ओ भैया कोई बच्चा भैया थोड़ा मुँह हाथ वही तो जाना तो ये दर्द। तो अम्मा ये बताओ जब पता लगा आपका कि बच्चा आपका जो है बम्बई में मर्डर केस में फंस गया है, तो क्या आपको सुनकर कैसा दर्द हुआ? अरे भैया बहुत दर्द हुआ, हम भाई देखे हो तेरे सामने कोने में एक रोटी खाओ, पानी बल पर दांत ना, ये सुगर। अच्छा फोन पर बात हुआ करती थी? फोन पर आज 20 रोज जब से गया तो सर 2 चक्कर बात भाई। 2 चक्कर क्या बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार कहीं की अम्मा खास तबीयत है, तो भैया ठीक है तो कहीं की पैसा कौड़ी न हो, तो हम कहा भैया मजूरी करा था दूसरे के मजूरी दुकान पर रहा था, कपड़ा बेचा था तो मजूरी भर तो दे ही भैया, कोई फादिल तो दे ही ना। अच्छा अम्मा एक लड़का और भी साथ में गया था जिसको धर्मराज लेकर गए थे, क्या नाम था? वो नहीं ले। अच्छा तो उसका क्या नाम था? शिवा नाम है शिवा। वो भी यहीं का है? हाँ मतलब किनारे। अच्छा ये बताइए घर का खर्चा कैसे चलता है अम्मा? घर का खर्चा कैसे चला था भैया, कौन मेरे लोन रोटी भर तो लोन रोटी खाओगा, सब्जी भर तो सब्जी खाओगा। घर वर कैसे आप लोगों ने बनवाया? घर भैया सब मोदी को दिन कॉलोनी कॉलोनी है, कुछ जांगर रहा तो भैया भैंसा रहा पाले रही करित रहा, बूढ़ो मछली सारी फल फल दिया हुआ रहा तो घल गबड़ के बनवाई। क्या नाम है माँ आपका? कुसुमा। तो ये माँ है कुसुमा धर्मराज की, और ये जो तखत आप देख रहे हैं इसी पर धर्मराज लेटता था रहता था, और सबसे छोटा लड़का है ये। 5 लड़के हैं, 5 लड़कों में धर्मराज सबसे छोटा लड़का था। इन लोग को तकलीफ है, दुख है, समझ नहीं पा रहे हैं आखिर किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब ये देखने वाली बात होगी जो ये धर्मराज है जो इस जाल में फंस गया है, जो इसने घटना को कारित कर दी है, अब उसमें क्या खुलासा होता है। हालांकि कई सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, इसमें बम्बई पुलिस भी लगी हुई है, और अब आदेश भी दे दिया गया है इनकी जो जो इनकी ज़मीनें हैं जो इनका मकान है
वो कितना सच है क्या है उसमें पूरी इसकी जानकारी दे दी गई है। अभी लेखपाल भी यहाँ पर मौके पर आए थे, पूरा ब्यौरा यहाँ का निकाल रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी इसमें क्या खुलासा होता है, क्या सच्चाई निकल के सामने आती है। बहराइच के गंडारा गांव से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल 18 के लिए रिपोर्ट।